सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आपका प्यारा दोस्त विनोद कुमार सिंह फिजिक्स नाम से जो है आपके लिए जो है जी मेंस के क्वेश्चन लगातार जो है मोशन प्लेन के जो है आपके चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग जो है देखिए, प्यार बनाइए, कहाँ नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप लोग करा करिए थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना कि वीडियो ऐसे ही रहती है, व्यू नहीं आते हैं, लाइक नहीं आते हैं, शेयर कोई नहीं करता। तो आप लोग थोड़ा सा जो है प्यार बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते हैं। अ पार्टिकल एट ओरिजिन 0 0, क्या है, कोई पार्टिकल ओरिजिन पे उसकी पोजीशन कहाँ है, 0 0 है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, एट एक्सीलरेशन कितना है, 10i + 4j है, m/s² है, ठीक है। पर यहाँ देखिए जे कैप है, मीटर पर सेकंड है, जे कैप है। आफ्टर टाइम टी सेकंड इट रीचेस एट पोजीशन 20y m, ये डिस्टेंस हो गया एक्स वाई क्वाड्रेंट। फाइंड द टाइम एंड वाई, और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, t = 2 सेकंड y = 18, t = 4 सेकंड y = 16, t = 6 सेकंड y = 12, t = 8 y = 10, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जे मेंस 2020 में आया हुआ है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोशन इन प्लेन क्लास 11th का चैप्टर है। अगर आप लोग इसको स्किप किए हैं तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यक्स कोऑर्डिनेट का पहले देखेंगे। तो यक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये यक्स की वैल्यू हो गई 20 m, ठीक है। और इनिशियल जो वैल्यू हो गई यक्स नाट की 0 हो गया। इनिशियल जो हमारा स्पीड हो गया एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वो भी 0 हो गया। और आपका एक्सीलरेशन एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कितना हो गया, तो आपका यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, आई कैप। इसलिए अब हम लोग यक्स इक्वल टू निकालते फॉर्मूला, यक्स इक्वल यक्स नाट प्लस कितना होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी, ये एक्स करके t² ये हो गया। एक्स की वैल्यू 20 हमारे पास यहाँ से पता है, ये 0 है और यहाँ पे कितना है, ये 0 है, प्लस कितना हो गया 1/2 हो गया। ए एक्स की वैल्यू 10 है, टाइम नहीं पता है कि टी टाइम में क्या होगा, और यहाँ बताया टी टाइम में ये हमारा एक्सीलरेशन, अब टाइम पता चल जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना, 5 को डिवाइड करेंगे, अच्छा यहाँ t² है तो t² = हो गया 4, तो t की वैल्यू क्या आ गया, 2 सेकंड आ गया। मतलब 2 सेकंड में ये 20 जो है y इसका पोजीशन है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो टाइम पता चल गया 2। अब क्या करते हैं y कोऑर्डिनेट ले, y की वैल्यू हमें नहीं पता है निकालनी, चलिए y इक्वल टू, हम डायरेक्ट तो y = y0 + यहाँ पे यू वाई, और यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस कितना हो जाएगा यू यहाँ वाई नहीं ए वाई ए वाई, और यहाँ पे हो जाएगा t². अब देखिएगा वाई की वैल्यू नहीं पता, पता करनी है, और वाई नाट की वैल्यू हमारे पास शायद यहाँ पे कुछ नहीं है, इनिशियल 0 हो गया। फिर प्लस यू वाई की वैल्यू देखिए ये है क्योंकि कोऑर्डिनेट में दिया है, तो 5, और यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड मास निकाल दिए हैं। फिर प्लस ए वाई की वैल्यू देखे कितनी है, ए वाई की वैल्यू एक्सीलरेशन कितना है, अभी हमने कोऑर्डिनेट यहाँ देखे 4 मिल गया, और टाइम कितना 2² कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग की वैल्यू आ जाएगा 5 × 2 = 10, और प्लस कितना हो जाएगा ये 2 × 2 = 4, यहाँ हो जाएगा हमारा 4, और ये हो गया कितना 4 यहाँ से 4 यहाँ, 4 × 4 = 16, और आपका हो गया कितना 26 कहीं है, 5 ये हो गया, 2 टाइम हो गया, ए वाई की वैल्यू कितनी 4 हो गई, यहाँ पे 4 × 4 = 16, 16 × 10 कितना होगा 26 आएगा, ऑप्शन में कहीं 26 है, ऑप्शन मुझको चेक करना पड़ेगा क्या ऑप्शन है सही है गलत, मैंने देख के नहीं गलत लिख दिया हूँ, तो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, ठीक है। तब तक ठीक है, तो देखिए पकड़ में आ गया कहाँ पे है,
देखिए कहाँ से दिक्कत आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फॉर्मूले में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर मतलब हाफ ए टी स्क्वायर होता ना, तो वही मैंने हाफ नहीं लिखा है इसलिए गड़बड़ा रहा था। तो यहाँ पे देखिए हाफ नहीं लिखा हुआ है, ये जाहिर सी बात है हो जाता है, ठीक है। 1/2 इसको काट देंगे तो कितना होगा, 16 में से 8 बच गया, फिर यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, 10 और 8 आ गया, तो आपके पास मिल गया 18 मीटर। तो आपका देखिए आंसर कौन सा सही है आपका इसमें से, पहला फर्स्ट वाला ही है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका कितना, टी की वैल्यू 2 सेकेंड और यहाँ पे वाई की वैल्यू 18 मीटर। तो ये आपने देखा आपका ऑप्शन ये वाला सही हो गया। कैसे लगा आपको, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू ले लूँ, लेके यक्स का आपका एक तरह से सेकंड इक्वेशन लगा देना है, यक्स के लिए पोजीशन निकाल लेना है जिससे टाइम निकल जाएगा, और दूसरे का वाई के लिए कोऑर्डिनेट के लिए लेंगे तो आप यहां से निकाल के दोनों को एक साथ मिला देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो है सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी 24/BK विनोद कुमार सिंह फिजिक्स, इसी नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा जेई मेंस जेई एडवांस नीड एनसीईआरटी जो है पेपर का सलूशन, एनसीईआरटी पेपर 22, 23, 24 आपका सबका सलूशन, मैथ का भी मिल जाएगा और फिजिक्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।